हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लास्ट किचन। और आज हम बनाएंगे राज कचौरी। तो सबसे पहले हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज हम स्पेशल राजस्थानी राज कचौरी बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम मैदा डालेंगे। मैंने 1 कप ऑफ मैदा लिया है, 1/4 कप ऑफ सूजी डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डालेंगे। या भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिलाकर इसका एक डो बना लेंगे। और इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है, तो मैंने 1 कप ऑफ वाटर लिया है, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और देखिए हमारा डो बहुत अच्छे से बनकर रेडी है। इसको हम रख देंगे और डो को हम 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं और देखिए हमारा डो बहुत अच्छा बना है। इसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इनकी स्मॉल स्मॉल बॉल्स बना लेंगे। देखिए इधर मैंने बॉल्स बना के रखी हुई है। अब हम एक बॉल लेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। हमें इसको इक्वल बेलना है और एकदम पतला बेलना है। इधर मैंने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। ध्यान रखिएगा, राज कचौरी हमेशा बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में फ्राई होती है, वरना ये फूलेगी नहीं और ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। देखिए मेरी पूरी कितनी अच्छे से फूल गई है, क्योंकि मेरा जो ऑयल था वो बहुत ज़्यादा हॉट था। अब इसको हम एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे और इसको फिर टर्न कर देंगे। देखिए मेरी कचौरी का टर्न होने के बाद भी कितना अच्छा कलर आया है। अब हम दूसरी साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। तब तक मैं और पूरी सेक लेती हूँ। ये कुछ मसाला जिसको हमें यूज़ करेंगे हमारी राज कचौरी को फिल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेटिंग करना। इधर मैंने राज कचौरी को ब्रेक कर लिया है बीच से। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे। सबसे पहले पोटैटो लेंगे। मैंने पोटैटो को बॉईल करके रखा हुआ था और क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर चिकपी डालेंगे, ये ब्लैक चिकपी है यानी कि काला चना, और इसको भी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। अब नमक डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट डालिएगा। नमक अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर डालेंगे, दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छे से बीट करके रखा हुआ था और ये इसके बिना चाट एकदम इनकम्प्लीट होती है। पीनट्स डालेंगे, इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है। और इसको हम पूरा फिल करते तक इसके अंदर डालते रहेंगे। इमली डालेंगे, ये मैंने इमली की चटनी ली है और इसको मैंने घर पे बनाया हुआ है। आप चाहें तो रेडीमेड ले सकते हैं, ये बहुत स्वीट एंड सॉल्ट फ्लेवर देती है। ग्रीन चटनी डालेंगे, फिर से हम वही रिपीट करेंगे। फिर से मैंने दही डाली है और इसको हम बाहर तक अच्छे से फिल कर देंगे। फिर थोड़ी इमली की चटनी डालेंगे, फिर से ग्रीन चटनी डालेंगे, अब रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा चाट मसाला डालेंगे और ऊपर से आलू भुजिया डालेंगे, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और बहुत अच्छा क्रंच देती है। ध्यान रखें जब भी आप डालें पंजाबी आलू भुजिया डालें और वो बहुत टेस्टी होती है। फिर थोड़े पीनट्स डालेंगे और लास्ट में हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे इसको डेकोरेशन करने के लिए। और लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही ईजी और टेस्टी राज कचौरी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।